यस, वेलकम बैक। प्लांट डाइवर्सिटी पर डिस्कशन हम लोग कर रहे थे और टेरिडोफाइटा की बात चल रही थी, राइट। आइए और उसी पर आगे बात करें। टेरिडोफाइटा, बात टेरिडोफाइट्स की हो रही थी और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इसमें रिप्रोडक्टिव बॉडी की, जिसको हम नाम क्या देते थे, कितने प्रकार की रिप्रोडक्टिव का हम रिप्रोडक्टिव बॉडी का स्ट्रक्चर देखा था। इनमें पहली बात किया था हमने स्पोरोकार्प की, स्पोरेंजियम बियरिंग स्ट्रक्चर में पहला स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था स्पोरोकार्प के बारे में। बोर्ड दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है स्पोरोकार्प। दूसरी बात हमने किया था सोराइल, और तीसरी बात हमने किया था स्ट्रोविलस के बारे में। ये बात किया था और हमने आपको दो प्रकार के प्लांट बताया था, टाइप ऑफ प्लांट्स और इसमें दो कैटेगरी के प्लांट्स हमने आपको बताया था, एक होमोस्पोरस प्लांट और दूसरा हमने आपको बताया था हेट्रोस्पोरस प्लांट, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस प्लांट्स, ये दो प्रकार का। और हमने आपको बताया था कि जो होमोस्पोरस प्लांट्स होते हैं उसमें क्या था, ऑल द स्पोर्स ऑफ सेम साइज, ऑल द स्पोर्स एलाइक, सभी स्पोर एक जैसे, एक ही प्रकार के स्पोर का फॉर्मेशन। और यहां पर जो है टू टाइप ऑफ स्पोर्स, टू टाइप ऑफ स्पोर्स, और ये कौन कौन से थे, स्मॉल साइज माइक्रो स्पोर्स और दूसरे हैं मैक्रो स्पोर्स, या इन्हीं को मेगा स्पोर कहा जाता है, मेगा स्पोर्स। दो प्रकार के स्पोर बन रहे हैं, छोटे आकार के स्पोर और बड़े आकार के स्पोर्स। तो अगर सारे स्पोर एक ही प्रकार के बन रहे हैं तो हम प्लांट को क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज होमोस्पोरस प्लांट। और अगर दो डिफरेंट प्रकार के स्पोर्स बन रहे हैं, बड़े आकार के दूसरे छोटे वाले, तब हम ऐसे प्लांट्स को हेट्रोस्पोरस प्लांट्स कहते हैं, राइट। तो दो तरह के हेट्रोस्पोरस प्लांट्स एंड होमोस्पोरस, बस इनकी लाइफ साइकिल भी इसी पैटर्न पर रन करेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं होमोस्पोरस प्लांट की लाइफ साइकिल और फिर उसके बाद हम बात करेंगे किस पर, हेट्रोस्पोरस की। तो लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस प्लांट्स, आइए और इसको डायग्राम से समझते हैं। अगर हम बात करें लाइफ साइकिल ऑफ द होमोस्पोरस प्लांट्स, लाइफ साइकिल ऑफ द होमोस्पोरस प्लांट्स अगर हम इनकी बात करें, तो इसमें जो मेन प्लांट है वो कैसा है, 2N है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन है। अब इसने क्या काम किया है, इसमें एक प्रकार जो बनेगा वो क्या है, वो स्ट्रोविलस होगा। मेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो कौन है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्ट्रोविलस है। पिछली बार हमने आपको बताया था कि जो स्ट्रोविलस होता है वो कैसा होता है, स्ट्रोविलस इट द एग्रीगेट ऑफ स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स का जो समूह होता है हम उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोविलस बोलते हैं। अब यहां पर होते हैं स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स हमने आपको कल अलग से बताया था, स्पोरोफिल्स क्या होते हैं, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिस पर क्या डेवलप हो रहे हैं, यह है स्पोरोफिल। इसमें यह है स्पोरेंजियम और यह है स्पोरोफिल, इसके अंदर ये हैं स्पोर्स। आप चूंकि ये होमोस्पोरस प्लांट्स की कहानी है तो होमोस्पोरस प्लांट में ये जो स्पोर्स होते हैं ये सारे स्पोर एक जैसे होते हैं, तो यहां पर होगा कौन, स्पोरेंजियम। कौन होगा,
स्पोरेंजियम किस पर अटैच है? स्पोरोफिल पर कौन है? स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम के अंदर कौन है? तो कह रहे हैं कि स्पोर मदर सेल है। कौन है? स्पोर मदर सेल है। अब इस स्पोर मदर सेल से कौन सा डिवीजन होगा? हैं, यहां पर मियोसिस होगा। इस घटना को हम स्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? स्पोरोजेनेसिस। यहां पर जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण होना, और स्पोरो माने स्पोर, तो स्पोरोजेनेसिस स्टैंड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। अब स्पोरोजेनेसिस से स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और ये जो स्पोर्स होते हैं अब क्या हो जाएंगे? स्पोरम मदर सेल से जब ये बनेंगे तो स्पोर्स स्पोर टेट्राड बनेंगे। स्पोर टेट्राड, ये जो स्पोर टेट्राड होते हैं इनमें चार की संख्या में स्पोर्स हैं, तीन दिखाए गए हैं पीछे की तरफ है, बाद में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं स्पोर्स। और ये स्पोर्स कहाँ पर गिरते हैं? फाल एंड जर्मिनेट ऑन द सॉयल, जमीन पर गिरते हैं और मिट्टी पर जर्मिनेट करते हैं। फॉल एंड जर्मिनेट ऑन द सॉयल, ये मिट्टी पर गिरेंगे और इनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा? यहां से जब ये जर्मिनेट करेंगे तो ये फॉर्मेशन करते हैं किसका? क्या बनता है? इसको हम बोलते हैं प्रोथाइलस। क्या बोलेंगे? प्रोथाइलस बोलेंगे। और इस प्रोथाइलस पर दो स्ट्रक्चर यहां पर बनेंगे, वो कौन कौन से हैं? है एंथ्रीडिया बनेगा और आर्चिगोनिया बनेगा। अब इनमें से निकलेंगे कौन? स्पर्म निकलेंगे। ये किसे फर्टिलाइज करेंगे? आर्चिगोनियम में किसको फर्टिलाइज करेंगे? अंडे को। और यहां से फिर मेन प्लांट का जन्म होगा। इस तरह से आप इस पूरी लाइफ साइकिल को ध्यान से देखिए। स्टार्ट हमने कहां से किया है? हमारा स्टार्ट पॉइंट है ये, मेन प्लांट से स्टार्ट किया है। मेन प्लांट 2N है, तो स्ट्रोबिलस भी कैसा है? 2N है। स्पोरोफिल सारा स्ट्रक्चर कैसा है? 2N है। ये पूरा स्ट्रक्चर अभी कैसा है? 2N है। स्पोरेंजियम कैसा है? 2N है। स्पोर मदर सेल कैसा है? 2N है। लेकिन जब मियोसिस डिवीजन हो जाता है तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये कैसे हो जाते हैं? और मैंने आपको बताया था कि यही जो स्पोर्स होते हैं ये हेप्लॉयड होते हैं, एंड दीज आर द स्टार्ट पॉइंट ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन, राइट? तो आप ये जो लाइफ साइकिल यहाँ पर है, लाइफ साइकिल ऑफ होमो स्पोरस प्लांट, ये आप ऐसे मेंशन कर दीजिए इसको। एक ही प्रकार का स्पोर बनता है, एक ही प्रकार के प्रोथाइलस का निर्माण होता है। यहां पर अगर हम देखें तो जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है वो बहुत थोड़ी देर के लिए है, इतने समय के लिए। कौन सी स्टेज है गैमेटोफाइट? इस लाइन के इधर कौन है? इस लाइन के इधर स्पोरोफाइट जनरेशन है, और इस लाइन के इधर कौन है? गैमेटोफाइट जनरेशन है। इस लाइन के इधर गैमेटोफाइट जनरेशन है। ये डायग्राम कंप्लीट कर लीजिए।
हो गया? समझने में कोई गलती कहीं पर किसी को? इस तरह से मेन प्लांट, इसमें स्ट्रोविलस, स्ट्रोविलस क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स, कल बताया था। स्पोरोफिल ग्रुप मिला करके स्ट्रोविलस बनाते हैं। स्पोरोफिल्स, एक स्पोरोफिल का स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया गया है, इस पर ये स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल क्या बनाती हैं? स्पोर्स बनाती हैं। स्पोरेंजियम को हमने यहाँ लिया, इसमें स्पोर मदर सेल लिखा, 2n है। मियोसिस डिवीजन जैसे होगा, स्पोर फॉर्मेशन हमेशा मियोसिस डिवीजन से होता है, और इस तरीके से आपको स्पोर टेट्राड प्राप्त हो जाते हैं। ये स्पोर्स स्पोरेंजियम के बर्स्ट करने की वजह से, जब स्पोरेंजियम फट जाता है, स्प्लिट होता है, तो ये स्पोर्स जमीन पर गिरते हैं और इनका जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, और जर्मिनेशन स्टार्ट होने के बाद ये क्या होते हैं? ये फिर मेन प्लांट को जन्म दे देते हैं। अब अगर हम ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल से इसको अगर कंसीडर करें, कंपेयर करें अगर, तो आपको पता है कि ब्रायोफाइटा में जो मेन प्लांट था वो गैमेटोफाइट था। तो इसकी लाइफ साइकिल में एक ब्रायोफाइटा दिखाई दे रहा है, वो कहाँ पर है? प्रोथाइलस। ये प्रोथाइलस है जो ब्रायोफाइट, जैसे भाई जो आपने थाइलस देखा था ब्रायोफाइटा का, वो कैसा होता है? हैं, इसी प्रकार तो होता ना, हार्ट शेप। तो अब आप देख रहे हैं कि ऐसा एक ब्रायोफाइट यहाँ पर है, वहाँ भी राइजोइड, यहाँ भी राइजोइड, वहाँ भी एन, यहाँ पर भी एन, वहाँ पर भी सेक्स ऑर्गेन, यहाँ पर भी सेक्स ऑर्गेन, एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया कैसे हैं? एन है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट है। तो ऐसी कंडीशन में टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट को हम यहाँ पर प्रोथाइलस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रोथाइलस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोथाइलस है, इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द थाइलस ऑफ ब्रायोफाइट। तो कहीं ना कहीं ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, और इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टेरिडोफाइट्स की ओरिजिन हुई है, दिस फॉलोज द पैटर्न ऑफ ब्रायोफाइटा, राइट। ये ब्रायोफाइटा का पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। तो भी हमारा तिरछी लाख बका हो, आज इसको मंगवाए हैं, हैं, ऑनलाइन टोपी मंगवाया। आज गए थे डॉक्टर आरबी वर्मा को दिखाने, मैसेज को दिखाया था, को कुछ प्रॉब्लम थी, रिंगवर्म था कहीं कहीं पर पैर में। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा जरा सिर देखिए, मैं लगता है कि मेरे पास फोलकल्स तो हैं। तो उन्होंने कहा कैप हटाइए, तो कैप हटाया, दिखाया कि डॉक्टर साहब यू आर नॉट ए बॉल्ड पर्सन, आपको तो फोलकल्स हैं, ये सब जरूरत यह है कि इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। हम कहे आप समझिए, और हमको हल्की सी कभी कभी इचिंग होती है, तो कहने लगे आपको डैंड्रफ हुआ था, इसी वजह से ये हेयर लॉस हो रहा है, और आपने किसी अच्छे डॉक्टर से राय नहीं लिया, और डैंड्रफ लंबे समय तक चला, तो इसलिए बाल गिरते। हम तो कई साल से है? हमने कहा 7-8 साल हो गया, पहले थोड़ा थोड़ा पैचेज में गिरा था, फिर उसके बाद। कहने लगे आपको डैंड्रफ था, ध्यान देना चाहिए था उसी समय, ये कुछ नहीं है, हेयर लॉस नहीं है, आपको हेयर गेन होगा। हम कैसे होगा? कहीं 6 महीने लगेगा, आपको दवा करनी है। अरे हम कहे 6 महीना, हम तो साले को हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहे थे, लाखों रुपये खर्च करते, आप सही कर दो। तो कहने लगे हो जाएगा। हमने कहा अच्छी खासी पर्सनैलिटी, साला थोड़ा सा इन्फीरियर बनाए रहता है, एज बढ़ा देता है ना, अच्छी बात नहीं है, इसको ठीक करो, नहीं तो हेयर ट्रांसप्लांट कराते जाकर हम, है कि नहीं। तो कहने लगे नहीं, अब आपका सही हो जाएगा। तो आज अभी लोशन दिए 500-600 रुपये का, शैम्पू टाइप का। कहने फिर पहले शैम्पू लगा के डैंड्रफ कंट्रोल करिए, उसके बाद तब आइए, तब बताते हैं। हैं, क्या हो जाता है? 1000 मार जाता है मेडिसिन का। हाँ, महंगी दवा देते हैं, कोई भी मेडिसिन उनकी 500-600 रुपये से कम की नहीं है। अभी लेके आए 2200-2300 रुपये की मेडिसिन लेके आए। हाँ, अच्छे डॉक्टर हैं, ख़त्म कर देते हैं, है तो उसमें कोई दोरा नहीं। भाई रिंग वर्म था बहुत, इनको जो है टेनिया का इन्फेक्शन था, टेनिया पेडिस जो फंगस होता है। अब वो टेनिया फंगस इतना जिद्दी, इतना रेजिस्टेंट कि हम कम से कम 2500 दवाई करा दिए, साला हट नहीं रहा था। तो गए उनको दिखाया, तो हमने कहा डॉक्टर साहब ये रेजिस्टेंट हो गया। कहने रेजिस्टेंट नहीं हुआ है, आप सही डॉक्टर के पास नहीं गए अभी तक। ओके ठीक है, करो, कर ख़त्म कर दिया, एकदम स्किन नॉर्मल हो गई, ऐसी नॉर्मल हो गई। तो कुल मिलाकर के हमने कहा मेरी फैमिली हिस्ट्री बाल्डनेस की है ही नहीं है, तो आप करिए। तो वही थोड़ा तिरछा लग रहा था, हमने कहा सही लगे नहीं। चलिए आइए लेक्चर में, आइए पढ़ा रहे हैं, वीडियो लेक्चर बन रहा है, ये सब सोचेंगे पता नहीं क्या क्या बात करते हैं गुरु जी। हैं, हाँ रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ा सा, ये रिलैक्स हो जाते हैं। हम यूट्यूब पर नहीं डाल रहे हैं कुछ, यूट्यूब पर रहता है वो हिडन रहता है, बस बच्चों को पढ़ने के लिए, जो अपने स्टूडेंट हैं उनके लिए रहता है बस। हाँ, कोई इस तरह चक्कर नहीं कि उस पर कोई प्रचार उचार चले बहुत ज़्यादा, ये सब ताम झाम छोड़ो सारे। हाँ, तो स्ट्रोविलस, स्पोरोफिल, ये सारा समझ गए। अब देखो इसमें सवाल किस प्रकार का पूछते हैं।
आपको स्ट्रक्चर दे देंगे और कहेंगे इसकी प्लॉयडी बताइए, जैसे स्पोर मदर सेल दे दिया, आप कहेंगे बताइए गैमेटोफाइट है स्पोरोफाइट, ऐसे सवाल पूछेंगे आपसे। तो ये इसलिए हमने एन लिखने का पर्पज यही था कि जान लीजिए कि स्पोरोफाइट कहाँ पर है और गैमेटोफाइट कहाँ पर है। इस लाइफ साइकिल को किस प्रकार की लाइफ साइकिल मानेंगे? डिप्लोबायोन्टिक मानेंगे। क्या मानेंगे? डिप्लोबायोन्टिक। डिप्लोबायोन्टिक क्यों कहते हैं? कि डाइप्लॉयड स्टेज लंबे समय तक रहती है, जो 2n स्टेज है ये अगर लाइफ साइकिल में लंबे समय तक रहे तो ऐसी लाइफ साइकिल को डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। तो इट इज़ द डिप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल, समझ गए होंगे आप। ठीक है, आइए और हेट्रोस्पोरस प्लांट की बात करें। नेक्स्ट, लिख लिया होगा अब तक सभी ने, हेट्रोस्पोरस प्लांट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द लाइफ साइकिल ऑफ हेट्रोस्पोरस प्लांट। अब देखिए होमोस्पोरस प्लांट्स के आपसे एग्जांपल पूछे जाएंगे, तो नोट कर लीजिए, इक्विसिटम है और लाइकोपोडियम। ये किसके एग्जांपल हैं? लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, दीज प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ होमोस्पोरस प्लांट्स। हाँ, इस प्रकार से ना तो आपसे सवाल पूछा जाएगा ना ऐसा कोई आंकड़ा दिया है कहीं पर। हाँ, होमोस्पोरस ज़्यादा होते हैं क्योंकि हेट्रोस्पोरी जो होती है ये न्यू हैबिट है जो इनमें ओरिजिनेट हुई है, इसी से सीडेड हैबिट आई है, यहीं से सीड का करेक्टर डेवलप हुआ है। हेट्रोस्पोरी अगर नहीं है, अब आपसे पूछेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेट्रोस्पोरी, तो कहीं ना कहीं ये ओरिजिन देती है किस चीज़ को? सीड हैबिट को। हैं, हाँ, कुछ देखिए खास स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे। लाइकोपोडियम, एक्विसिटम, मार्सिलिया, सिलेजनेला, बीएससी के स्टैंडर्ड में यही चार प्लांट्स हैं, समझ गए। और बाकी फिर वो पूछेंगे क्या नाम है जिनका पैलियोजोइक संबंध है, पैलियोन्टोलॉजिक रिलेशनशिप है ना, तो उनके बारे में सवाल पूछेंगे कि किस प्रकार के प्लांट्स हैं। तो कुछ जो जनरल टाइप के नॉन स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं उन पर हम आएंगे बाद में, उनका क्वेश्चन बैंक दे देंगे। लेकिन जो मोटा मोटा मतलब समेटना है आपको कि क्वेश्चन मैक्सिमम समेट लो क्वेश्चन, तो इन्हीं सबसे रहेंगे। तो अब आप समझ गए ना, लाइकोपोडियम और इक्विसिटम ये होमोस्पोरस प्लांट्स हैं, और अगर हम सिलाजिनेला और मार्सिलिया की बात करें, किसकी किसकी? सिलाजिनेला मार्सिलिया की बात अगर करें तो ये किस में आते हैं? ये हेट्रोस्पोरस प्लांट्स में आते हैं। ठीक है, तो आइए और हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। मान लो कि हेट्रोस्पोरस प्लांट है, मेन प्लांट कैसा है? मेन प्लांट हेट्रोस्पोरस एंड गैमेटोफाइट है, हेट्रोस्पोरस स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, ये स्पोरोफाइटिक है मेन प्लांट, ये है दिस वन, इट इज द स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, अब ये जो मेन प्लांट हेट्रोस्पोरस है तो दिस विल प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्ट्रोबिलस, एक ही बनेगा, क्या बनेगा? स्ट्रोबिलस। लेकिन इसमें जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इट इज द ग्रुप ऑफ एग्रीगेट है, ये किस चीज का एग्रीगेट है? ग्रुप ऑफ टू टाइप ऑफ स्पोरोफिल्स, टू टाइप ऑफ स्पोरोफिल्स, इसमें दो प्रकार के स्पोरोफिल्स बनेंगे, वो कौन कौन से हैं? यहीं से डाइवर्जन हो गया, यहाँ पर दो प्रकार के स्पोरोफिल्स का फॉर्मेशन होगा। नोट करते चलिए, दो तरह के स्पोरोफिल्स का फॉर्मेशन टेरिडोफाइट में होगा,
ये दो प्रकार के स्पोरोफाइट्स कौन कौन से हैं, ये स्पोरोफिल्स। एक तो माइक्रो स्पोरोफिल है, माइक्रो स्पोरोफिल, और दूसरा है मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल, ये जो माइक्रो स्पोरोफिल है इनसे क्या मिलेगा आपको, माइक्रो स्पोरेंजियम मिलेगा। क्या मिलेगा, माइक्रो स्पोरेंजियम। किस पर, माइक्रो स्पोरोफिल पर। कल स्ट्रक्चर दिखाया था माइक्रो स्पोरोफिल पर, यहां पर छोटी साइज का स्पोरेंजियम बनेगा। जो मेगा स्पोरोफिल है बड़ा साइज का स्पोरेंजियम बनेगा ऐसा। अब अगर देखें तो यहाँ पर स्पोरेंजियम बड़ा है तो स्पोर्स भी बड़े होंगे इनमें, और यहाँ पर स्पोरेंजियम छोटा है तो स्पोर भी छोटे होंगे। तो माइक्रो स्पोरेंजियम हुआ माइक्रो स्पोरोफिल पर, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर कौन है, माइक्रो स्पोरोफिल है, और इस पर ये माइक्रो स्पोरेंजियम है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से मेगा स्पोरोफिल है, और ये कौन है, ये मेगा स्पोरेंजियम है। मेगा स्पोरेंजियम यहां से अब क्या होगा, और ये माइक्रो स्पोर मदर सेल, क्या नाम होगा, माइक्रो स्पोर मदर सेल, और इसके लिए क्या लिखेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल लिखेंगे, माइक्रो स्पोर मदर सेल एंड मेगा स्पोर मदर सेल। इनसे मियोसिस डिवीजन होगी इन दोनों में, कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस, और घटना को क्या कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड क्या नाम देंगे, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। अब माइक्रो स्पोरोजेनेसिस से क्या बनेगा, माइक्रो स्पोर टेट्राड बनेगा छोटी साइज के, और मेगा स्पोरोजेनेसिस से क्या बनेगा, मेगा स्पोर टेट्राड बनेगा। इससे और इससे अगर हम देखें तो अब प्रोथाइलस अलग अलग बनेगा, इसे क्या बोलेंगे, मेल प्रोथाइलस, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फीमेल प्रोथाइलस, या आप मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से लाइफ साइकिल में आप देख रहे हैं कि दो प्रकार के स्पोरोफिल और स्पोरेंजियम बनते हैं, क्योंकि स्पोर दो तरह के बनना है यहां पर। आप इन पर क्या जर्मिनेट करेगा, इन पर कौन सा सेक्स ऑर्गेन बनेगा, मेल प्रोथाइलस पर, तो मेल प्रोथाइलस पर तो कौन बनेगा, एंथ्रीडियम, और यहां से क्या निकलेगा, एंथेरोजोआइड निकलेंगे, और यहां पर कौन है, अब इस पर ये पहुंचकर फर्टिलाइजेशन कर देंगे, और इससे अगली जो स्टेज शुरू होगी वो कौन है, ये जाइगोट है, और इसी जाइगोट से जर्मिनेट करके क्या मिलेगा, न्यू प्लांट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इट इज द लाइफ साइकिल ऑफ हेट्रोस्पोरस प्लांट। हमने आपको बोर्ड पर फ्लो चार्ट से इसे एक्सप्लेन कर दिया है, लिखने की डिटेल जरूरत नहीं है, जैसे दिखाया गया है इस तरह से आप नोट कर लीजिए बोर्ड पर। इस तरह से अगर हम देखें तो जो गैमेटोफाइट स्टेज हमें मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, ये हम लाइन खींच रहे हैं, दिस वन, इस लाइन के इस तरफ एन है और इस लाइन के इस तरफ 2N है। तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन बहुत लंबे समय तक रहती है और गैमेटोफाइटिक जनरेशन थोड़े समय के लिए इनके जीवन काल में आती है, ठीक है। तो बिकॉज द डोमिनेटिंग फेज इज स्पोरोफाइटिक जनरेशन हियर, सच काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज डिप्लोबायोटिक।
इससे संबंधित एक क्वेश्चन बनेगा कि हेट्रोस्पोरी जो है, हेट्रोस्पोरस हैबिट यहीं से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो हेट्रोस्पोरस हैबिट सीडेड प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशनशिप सीड हैबिट से है हेट्रोस्पोरी का। इसका कोई भी स्टेप अगर आप लोगों को किसी को समझ में नहीं आता तो पूछ लीजिए इसे। लिख लिया सभी ने? दिस वाज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ हेट्रोस्पोरस प्लांट। हेट्रोस्पोरस हैबिट जो है इसका लिंक सीधा किससे है? सीड हैबिट से, क्योंकि सीड हैबिट की ओरिजिन जो है वो यहीं से हुई है। लिख लिया? प्लांट्स के एग्जांपल सारे हमने आपको बता दिया है। रह गई बात इनका क्लासिफिकेशन टेरिडोफाइट्स का, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। नहीं, आगे से जायगोट तो 2N हो गया ना, ये आएगा ऐसा, जायगोट तो 2N हो जाएगा ना फ्यूजन के बाद। अब इसे देखने से क्या है कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, कहीं से किताब खोल के उसकी लाइफ साइकिल पढ़ें, साफ साफ दिख रहा सामने होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस, ठीक है ना। तो आपकी सारी मेहनत को हमने आधे पन्ने पर समेट दिया सब, कि आधे पन्ने पर देख करके आप समझ जाएंगे व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस प्लांट्स, इनके जीवन में क्या कैसे होने जा रहा है, ये सारी कहानी आप समझ गए हैं, ठीक है। आप क्लासिफिकेशन आपसे पूछेंगे कि टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन, कभी भी सवाल इस तरह से नहीं आएगा, कभी क्लासिफिकेशन नहीं आता किसी का भी, क्योंकि क्लासिफिकेशन इतना लंबा है और हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमको समेटना है क्वेश्चन, ठीक है। तो जितनी जानकारी देनी थी आप देख लीजिए, इसमें एनसीईआरटी की कोई लाइन आपको अगर समझ में ना आई हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि एनसीईआरटी मैंने पूरा कवर किया है, ठीक, कोई लाइन छूट नहीं रही है। कितने प्रकार के हैं सारा बता दिया हमने, सारे सेक्स ऑर्गन्स बता दिए कौन कौन से होते हैं, लाइफ साइकिल क्या होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट, दैट इज जिम्नोस्पर्म, राइट, ठीक है। स्टील के बारे में सवाल बहुत पुराने हो गए, टाइप ऑफ स्टील इनमें, कि साइफोनो स्टील क्या होता है, प्रोटो स्टील क्या होता है, हैं, हम आपको इस पर वर्कआउट करा देंगे, क्वेश्चन दे देंगे और उस पर एक जो है एक्सप्लेनेशन दे देंगे। हाँ, कुछ 4 से 10 क्वेश्चन करवा देंगे इसका, स्टील पर, स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स, इस पर हम 4 से 10 क्वेश्चन करवा देंगे। एक क्वेश्चन प्रोटोकार्म से संबंधित पूछा जाता है, ये लाइकोपोडियम में बनता है, प्रोटोकार्म, PROTOCARM, प्रोटोकार्म एक वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए होता बनता है, ये स्ट्रक्चर वेजिटेटिव बॉडी होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए लाइकोपोडियम में बनता है, प्रोटोकार्म। लिख लिया? आइए और बात करें अब जिम्नोस्पर्म पर। ऐसे तो टेलोम थ्योरी पूछेंगे, अरे बहुत पुराने क्वेश्चन है ये सब, टेलोम फिलोम ये सब पीजीटी में हो सकता पूछें, देखा जाएगा, डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले और समेटने दीजिए, अभी तमाम चैप्टर बचे हुए हैं ना, तो पहले उनको कवर कर लें, फिर देखेंगे। हमें याद है हाईलाइटेड कि बहुत पुराने ट्रेडिशनल क्वेश्चन हैं, अगर पूछेंगे जैसे टेलोम थ्योरी समझाना है, चलो बाद में देख लेंगे उसको, अभी फिलहाल दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है इन सबसे, क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी जब टाइम मिलेगा तो हम समेट देंगे, नहीं इन पर क्वेश्चन दे देंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट, दैट इज जिम्नोस्पर्म।
जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट जिम्नो, जिम्नोस। स्टैंड्स फॉर नेकेड, जिम्नोस स्टैंड्स फॉर नेकेड। स्पर्मा मीन्स सीड्स। अब कॉमनली दीज आर कॉल्ड एज नेकेड सीड प्लांट्स। नेकेड सीडेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनमें कि बीज नंगा होता है, खुलेआम पाया जाता है और ये ओवरी में नहीं पाया जाता, यहाँ पर ओवरी नहीं बनती है। सामान्य तौर पर जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो सीड बनता है वो कहाँ होता है, दैट इज प्रेजेंट इन ओवरी, तो यहाँ पर ओवरी नहीं है। नो ओवरी, ओव्यूल्स डायरेक्टली मॉडिफाइड टू सीड। After fertilization, ओवरी होती नहीं है, इसलिए यहां पर ओव्यूल, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल ही डायरेक्ट सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी तक आपने देखा कि ओव्यूल जैसा स्ट्रक्चर टेरिडोफाइटा तक नहीं बना था। ओव्यूल का फॉर्मेशन जिस ग्रुप ऑफ प्लांट से स्टार्ट होता है वो कौन है, वो जिम्नोस्पर्म होता है। जहां पर टर्म लगे स्पर्मा, स्पर्मा माने सीड, तो टेरिडोफाइट में स्पर्मा नहीं लगा, ब्रायोफाइट में स्पर्मा नहीं लगा क्योंकि वहां बीज नहीं बनता, लेकिन टेरिडोफाइटा में उससे आगे जब हम चले तो हेटरोस्पोरी वहां पैदा हो गई थी, तो हेटरोस्पोरी से सीड का ग्राउंड तैयार हो गया। तो अगले ग्रुप में जो प्लांट्स आए सीडेड प्लांट्स, उनको हमने उनके नाम में स्पर्म जोड़ दिया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो बात इस समय किसकी कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म की कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नेकेड सीडेड प्लांट्स होते हैं, इनका जो मेन प्लांट होता है, जाहिर सी बात है कि अब आगे जिनके बारे में भी पढ़ेंगे वो सब कैसे होते हैं, रिप्रेजेंट्स द स्पोरोफिटिक जनरेशन। इनका जो मेन प्लांट होता है दैट रिप्रेजेंट द स्पोरोफिटिक जनरेशन। मेन प्लांट रिप्रेजेंट्स द स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक का मतलब 2N, पढ़ के आए हैं। कौन कौन होते हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनका मेन जो डोमिनेटिंग फेज होता है वो स्पोरोफाइट होता है। अब अगर हम इनके हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें, हैबिट एंड हैबिटेट सामान्य तौर पर या तो ये श्रब्स होते हैं एंड ट्रीज होते हैं। हर्ब्स नहीं होते इनमें, जबकि टेरिडोफाइट्स में हर्ब्स पाए जाते हैं। यहाँ पर झाड़ियाँ होती हैं और या फिर पेरिनियल ट्रीज होते हैं, ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं, कई सालों तक बने रहने वाले। मोस्टली एडाप्टेड टू फेस द जीरोफाइटिक कंडीशन। ये जीरिक हैबिटेट के लिए एडाप्टेड होते हैं ज्यादातर, अर्थात इनके लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए पानी की विशेष आवश्यकता नहीं है। जो डिपेंडेंसी, फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की थी,
पानी पर, किसके लिए? अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए। ऐसी कोई मजबूरी जिम्नोस्पर्म की नहीं है, बल्कि इतना ही नहीं, ऐसे प्लांट्स जीरिक कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए अपने आप को एडाप्ट कर लेते हैं। और वो जो एडाप्टेशन होता है, ज़रा उसको बारे में जान लीजिए, जो एडाप्टेशन होता है वो क्या होता है? यहाँ पर जो इनकी लीव्स होती हैं बिकम स्केली, पत्तियां स्केली हो जाती हैं, निडिल लाइक हो जाती हैं, या फिर कंपाउंड पामेट होती हैं, हस्ताकार होती हैं। अगर कंपाउंड लीव्स हैं तो दो तरह की होती है, आपने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी में, कौन कौन सा? पिनेटली कंपाउंड लीव्स और पामेटली कंपाउंड। तो पामेटली हस्ताकार, जैसे नारियल की पत्ती आपने देखा होगा, अब यहाँ से निकलेंगे तो जिम्नोस्पर्म लगा हुआ आप देखेंगे उसमें, तो पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। अब उनकी जो लीफलेट्स होती हैं वो उनकी ओरिजिन कॉमन होती है एक ही जगह से, जैसे ये अब देखिए, जैसे ये ताड़ की पत्ती है ये, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक कॉमन बेस है जहाँ से लीफलेट अराइज कर रही हैं। तो लीफलेट्स में मॉडिफाई हुई हैं, परंतु ये सारी लीफलेट्स एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, तो इसको हम पामेट बोलते हैं, हथेली के जैसी हस्ताकार, इसीलिए पत्तियाँ कहा जाता है। या फिर इनकी पत्तियाँ निडिल लाइक हो जाती हैं, जैसे कि पाइनस में बनता है, किस लिए होता है? जस्ट टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, पानी के नुकसान को सहने के लिए पाइनस में पत्तियाँ निडिल शेप हो जाती हैं, निडिल, ताकि पानी का ज़्यादा नुकसान ना हो। नॉट ओनली दिस, द स्टोमेटा आर डीपली एम्बेडेड इन द डर्मिस, संकेन टाइप एंड प्रोटेक्टेड विद द स्पाइंस। तो इनके जो स्टोमेटा होते हैं, उस बात को भी आप लिख लेंगे कि जीरिक कंडीशन को अडाप्ट करने के लिए इनमें जो स्टोमेटा होते हैं आर डीपली एम्बेडेड इनटू द डर्मिस। ऐसे स्टोमेटा को संकेन स्टोमेटा कहते हैं, संकेन स्टोमेटा, टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, एक्सेस लॉस पानी का रोकने के लिए इनमें संकेन स्टोमेटा का फॉर्मेशन होता है। हाँ, साइकस में पिनेटली होता है। यहां पर जो भी हम लिखा रहे हैं वो करेक्टरिस्टिक फीचर लिखा रहे हैं कि मोस्टली लीव्स किस प्रकार की, तो पामेटली कंपाउंड होती है। अब अगर हम प्लांट की बात करें तो ये प्लांट्स जो होते हैं वूडी होते हैं। प्लांट्स कैसे होते हैं? वूडी होते हैं, इनमें वुड का फॉर्मेशन होता है। जो स्टेम होता है वो वूडी होता है, अर्थात वूड फॉर्मेशन होगा क्योंकि जाइलरी टिश्यूज होते हैं, जाइलम फ्लोएम तो टेरिडोफाइटा से ही बन गए थे। स्टेम ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच, जैसे साइकस में जो है अगर हम देखें तो साइकस में अनब्रांच्ड होता है और पाइनस में ब्रांचिंग होती है, ठीक है। दूसरी चीज ये है
कि प्लांट्स या तो मोनोसियस कंडीशन शो करेंगे, बस ये और बात है कि मेल और फीमेल ऑर्गेन्स जो होते हैं वो अलग अलग ब्रांच पर डेवलप होंगे अगर एक ही प्लांट पर हैं, लेकिन फिर वो कंडीशन मोनोसियस कहलाएगी। और डायोसियस कंडीशन में मेल और फीमेल प्लांट्स दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों तरह की कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। मेल प्लांट फीमेल प्लांट अलग अलग भी हो सकते हैं या एक ही प्लांट पर इनकी ग्रोथ हो सकती है, दोनों कंडीशन पाई जाएगी। लीव्स जो होती हैं इन सम प्लांट्स, उदाहरण के लिए जैसे लाइक साइकस, अगर हम साइकस की बात करें, शो सिरसिनेट वेनेशन, इनकी जो पत्तियां जुवेनाइल स्टेज में, इन जुवेनाइल स्टेज अगर साइकस में देखें, जो नई पत्तियां बनती हैं अंदर उनमें स्प्रिंग की तरह क्वाइलिंग होती है, बाद में फिर वो खुलती हैं, लेकिन शुरुआत में उनमें क्वाइलिंग होती है। तो इस प्रकार के क्वाइल्ड स्प्रिंग लाइक क्वाइल्ड पैटर्न को हम बोलते हैं सिरसिनेट वेनेशन। अगर हम रूट्स की बात करें, कोरोलॉयड रूट्स होती हैं इन साइकस, नॉस्टॉक और एनाबिना जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी की कॉलोनीज यहाँ डेवलप होती हैं इनके रूट्स में, कोरोलाइड रूट्स में। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नॉस्टॉक एंड एनाबिना इनकी कॉलोनीज डेवलप होती हैं लिख लिया। और पाइनस में जो है माइकोराइजा का डेवलपमेंट होता है। पाइनस क्या बनाता है? हाँ, पाइनस शोज द डेवलपमेंट ऑफ माइकोराइजा। और माइकोराइजा जो होता है इसमें इसके रूट्स का फंजाई के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। माइको माने होता है क्या? फंजाई। और राइजा माने क्या होता है? रूट। तो जड़ का संबंध जब फंजाई के माइसिलियम से होता है तो हम इस प्रकार के रिलेशनशिप को क्या नाम देते हैं? इट इज नोन एज माइकोराइजा। तो ये पाइनस में होता है, रूट्स इन पाइनस। शो द फॉर्मेशन ऑफ माइकोराइजा। यहां पर माइकोराइजा अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ द रूट विद द फंगल माइसिलियम या फंजाई, आप सीधे लिख लीजिए फंजाई, फंगल पार्टनर के साथ इनके रूट्स का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। हाँ हाँ, सिम्बायोटिक वो भी है ये भी है, लेकिन जब फंजाई के साथ रूट का रिलेशनशिप होगा तब हम उसको माइकोराइजा कहेंगे, ठीक है। वहाँ पर क्या रिलेशनशिप होता है? नॉस्टॉक की कॉलोनीज होती हैं एनाबिना की, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होती हैं, फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो जो कोरोलाइड रूट होता है दैट प्रोड्यूसेज द एटमोसफियर, बेस्ट एटमोसफियर फॉर द फिक्सेशन ऑफ
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को उपलब्ध कराने के लिए ऐसा होता है, ये रिलेशनशिप होता है। और इनमें क्या है कि माइकोराइजा, ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। फंगल पार्टनर को रेडीमेड फूड मिलता है, कौन बना के देता है, हैं, यहाँ पे जो साइकस पाइनस का प्लांट है, और बदले में उससे क्या प्राप्त करता है, तो दिस हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी होती है, किसकी, माइकोराइजा की। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये पौधे ऐसी जगह पर उग रहे हैं जहाँ पानी की कमी है, जीरिक कंडीशन में उग रहे हैं, तो जीरिक कंडीशन में मिनरल और वाटर अवेल कराने के लिए क्या होता है कि इनमें माइकोराइजा का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, लिख लिया सभी ने। अब एनाटॉमिकल बैकग्राउंड पर हमें अभी चलना नहीं, क्योंकि इनके वही जाइलम बाइल वैस्कुलर बंडल और क्या ये सब नहीं सवाल नहीं आएंगे। अब हम बात कर रहे हैं सीधे किस पर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से संबंधित। तो यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए खास प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बल्बिल कहते हैं, और ये साइकस में बनता है। तो फॉर वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल लिख लो, उसके बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आएंगे। वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल इन साइकस इज नोन एज, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल इन साइकस इज नोन एज, क्या कहेंगे इसको हम, साइकस में बल्बिल का फॉर्मेशन होता है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए है, लिख लिया। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल लाइफ साइकिल। जिस तरह से स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन वहां हो रहा था, उसी प्रकार से यहां पर कोन का फॉर्मेशन होगा, मेल और फीमेल कोन बनते हैं। वहां पर भी मेगा स्पोरोफिल और माइक्रो स्पोरोफिल थे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, लेकिन इसमें टेरिडोफाइट्स में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पर पोलन ग्रेन बनेंगे। बाकी आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया उनका कॉन्सेप्ट है, सब रहेगा, एक नया स्ट्रक्चर बनेगा पोलन ग्रेन। इन सारी चीज़ों पर चर्चा जो इसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म की है, एक लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे अपने अगले लेक्चर में, और बस अगला लेक्चर जिम्नोस्पर्म खत्म कर देगा। तो कुल मिला के 3 लेक्चर में आपका टेरिडोफाइटा भी खत्म हो गया और जिम्नोस्पर्म भी खत्म हो गया, हमारे ख्याल से मैंने सही कवर किया है। तो सारे अभी टर्म्स इसमें आ जाएंगे, जितने भी हैं जो सवाल पूछे जाएंगे इनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल में ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, और एंजियोस्पर्म चूंकि हमको डिटेल अलग से पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट डिटेल पढ़ना है, तो उसकी हम यहाँ चर्चा ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्लांट डाइवर्सिटी बस अगले एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, हाँ, ओके, टेक केयर, बाय बाय।